मिहिपुरवा बहराइच उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा स्कूल कॉलेज एवं ग्राम सभा स्तर पर जन जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत तहसील मिहिपुरवा में 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ब्लॉक के मीटिंग हॉल में संपन्न हुआ। 30 दिसंबर को प्रशिक्षण कार्यक्रम उप जिलाधिकारी संजय कुमार की अध्यक्षता में प्रारंभ हुआ था, जिसमें ग्राम विकास, शिक्षा विभाग, ग्राम सभा और विभिन्न विभागों के कर्मचारी को प्रशिक्षण दिया गया। सभी प्रकार की आपदा से पहले अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, किसी की मदद सरकारी संसाधन न उपलब्ध होने पर, इमरजेंसी वक्त पर घर के सरल सामानों से तुरंत आवश्यकता अनुसार कैसे बनना है, स्ट्रक्चर का निर्माण कैसे करना है, जलती हुई आग में कैसे बचाना है, बाढ़ के दौरान ट्यूब पानी की बोतलों को आपस में जोड़कर केले के ताने से कैसे नाव निर्माण करके अपने आप को बचाना है, किसी की मदद करनी है, गैस सिलेंडर में आग लगने पर घबराए नहीं बल्कि उसे कैसे बचाना है, इसी जाने भूकंप आने पर, बादल फटने पर, आकाशीय बिजली गिरने पर किन किन उपायों का प्रयोग करना है और कैसे अपने आप को सुरक्षित करना है, इन सब विषयों पर आपदा प्रबंधन के स्टैंडरों द्वारा सभी को जरूरी टिप्स दिए गए। इस दौरान प्रशिक्षण देने वालों में मास्टर ट्रेनर शिवम सिंह, सुनील कुमार चौधरी, अनिल कुमार वर्मा, रविशंकर तिवारी के साथ आपदा मित्र अनुज कुमार वर्मा ने बाढ़, सूखा, भूकंप, अग्निकांड, वज्रपात, मानव जनित आपदा, लाइफ सामग्री का कैसे उपयोग करना है, इन सब विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर तहसीलदार मिहिपुरवा अंबिका प्रसाद चौधरी ने सभी प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को आपदा प्रबंधन समिति की ओर से एक बुकलेट का भी वितरण किया गया, जिसमें आपदा से बचने के लिए सभी उपाय फोटो सहित वर्णन किया गया है। तहसील मिहिपुरवा से रईस खान की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।